नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र, आपका इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यहां पर मिलता है आपके लिए इंडिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी और उनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो आपकी झांसी में, उसके बारे में। इसके फॉर्म निकल चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से भरे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके फॉर्म आपके 7 मई से भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो आपकी 10 जून है। तो 10 जून से पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिए। इसमें आपको बिना लेट फीस के आप 10 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपके पास 4-5 दिन हैं तो आप भर लीजिए, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है। बाकी डिटेल में हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो ए कैटेगरी, उसमें आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस के थ्रू, और बी कैटेगरी, इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा बिना एंट्रेंस के, मेरिट में आपका एडमिशन होगा। तो इस यूनिवर्सिटी में 2 तरह से एडमिशन होगा आपका, एक एंट्रेंस बेस्ड होगा और आपका मेरिट बेस्ड होगा। तो इसके देख लीजिए, जो एंट्रेंस बेस्ड है और मेरिट बेस्ड है, उनकी लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, एप्लीकेशन उन सबके बारे में करेंगे, और कौन से कोर्स हैं इसके बारे में, तो ये पूरा डिटेल हम वीडियो बात करेंगे इसमें। अगर इसकी लास्ट डेट बढ़ती है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, बाद में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल अभी आपके पास समय है कि 10 तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। एंट्रेंस टेस्ट में देख लीजिए, इसमें 1100 रुपये फीस लगेगी आपकी, ये जनरल ओबीसी के लिए रहेगी, और एस सी एस टी के लिए आपकी 550 रुपये फीस लगेगी, 550 आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म भरना चाहते हैं तो 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आप 20 जून तक ये फॉर्म भर सकते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट वाला है वो। अब बात करते हैं हम जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका मेरिट टेस्ट पे, उसमें आप देख सकते हैं उसकी फीस आपको 700 रुपये देनी पड़ेगी जो जनरल ओबीसी के स्टूडेंट के लिए, और आप देख सकते हैं 350 रुपये देनी पड़ेगी आपकी एस सी एस टी के स्टूडेंट के लिए। आगे आप देख रहे हैं एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने आपके लिए पहले बता दिया, आप 7 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं इसका भी आपका, और इसकी लास्ट डेट भरने की 30 जून। 30 जून तक आप मेरिट वाला आप बिना लेट फीस के भर सकते हैं। और आगे आप देख रहे होंगे लेट फीस के साथ इसमें आपको 300 रुपये देने पड़ेगा। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको 5 जुलाई तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और काउंसलिंग है आपकी वो 15 जुलाई के बाद में होगी, आप देख सकते हैं 15 जुलाई के बाद में आपकी काउंसलिंग, उससे आगे डेट उसकी टेंटेटिव डेट है काउंसलिंग की 15 जुलाई के बाद में आपकी होगी। ये सभी आपकी आपके जो एंट्रेंस की और आपकी डायरेक्ट एडमिशन उन सबकी काउंसलिंग की बात कर रहा है 15 जुलाई। एंट्रेंस टेस्ट देखिए कब डेट दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट आपका जून के लास्ट वीक में बता रहा है, या आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में तो होना ये मुश्किल है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ही लगभग जुलाई से खुल रही है, तो आपके ये जुलाई में या फिर जुलाई लास्ट में होने की संभावना है। इसमें इसके मुताबिक कह रहा है कि ये जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में कराएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि जून के लास्ट वीक में हो सके, जुलाई में हो सकते हैं आपके, अगस्त में हो सकते हैं इसका एंट्रेंस टेस्ट। ये देख लीजिए अभी जो सेंटर है उसके टेंटेटिव सेंटर आप देख सकते हैं, झांसी है, ग्वालियर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, छतरपुर है, पटना है, सागर है और गाजियाबाद है। आप देख सकते हैं इसके इतने ही एंट्रेंस हैं अभी तक, तो आप देख सकते हैं झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद, छतरपुर, पटना, सागर, गाजियाबाद, इनमें से कोई आप सेंटर चूज कर सकते हैं। इसकी फैकल्टी दी गई, उनमें कौन कौन से कोर्स हैं आप यह देख सकते हैं। साइंस फैकल्टी के अंदर आपके बीएससी कोर्स आता है जो कैंपस में चलता है सिर्फ, उसमें आप देख सकते हैं ये होम साइंस है आपकी, मैथ ग्रुप है जो आप बीएससी कर सकते हैं होम साइंस से, मैथ से, और आप बायोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हैं, जेडबीसी से और पीसीएम से, मैथ से। और आप यह देख सकते हैं इनमें जो डीए लिखा हुआ है उसका मतलब आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा मेरिट बेस पे, और जिसमें आपका लिखा हुआ जिसके उसमें ईटी लिखा हुआ उसका मतलब एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये सब आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे, आपकी मेरिट पे होंगे एडमिशन, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे जितने भी कोर्स हैं आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बाकी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप अपने कोर्स को यहाँ देख सकते हैं। साइंस फैकल्टी के अंदर बहुत सारे कोर्स हैं, आगे देख सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस है आपका, फूड टेक्नोलॉजी और मैथ स्टेट्स एंड कंप्यूटर साइंस है, आप देख सकते हैं। तो आगे देख लीजिए आपका PGDEM है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट है, उसमें भी आपका डायरेक्ट एडमिशन है। MSc के कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, MSc के कोर्स जो PG के कोर्स है मोस्टली, उसमें आपका एंट्रेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं ET एंट्रेंस इसमें दिखा रहा है आपका, तो देख सकते हैं मैथ मैथ स्टैटिक्स आपका टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी आपका एग्रीकल्चर के अंदर देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से BSc एग्रीकल्चर इसमें आपका एंट्रेंस है, BSc एग्रीकल्चर में आपका एंट्रेंस है, आप एंट्रेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, ET लिखा हुआ है, BSc एग्रीकल्चर में आपका एंट्रेंस है। इसके अंतर्गत जो BSc एग्रीकल्चर के अंदर देख लेते हैं, MSc के कोर्स दिए गए, ऑफर किए गए, आप इसमें से कोई सा MSc का कोर्स सकता है, इसमें सभी एंट्रेंस हैं। आगे मेडिकल फैकल्टी, उसमें आपका डी फार्मा, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। सबसे जुड़ी बात आप देख सकते हैं कि आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपको BSc नर्सिंग करा रहा है और इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं आप, इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट है, और आपका एम फार्मा कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट है, एम फार्मा कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी एंट्रेंस है, और BPT जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है वो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आपका मेरिट पर होगा। तो ये मेडिकल जो फैकल्टी है उसमें आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग है, डी फार्मा है और एम फार्मा है, तो आप देख सकते हैं ये कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। नर्सिंग वाला कोर्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आप यहाँ से कर सकते हैं।
टेक्निकल मैनेजमेंट कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख लीजिए, इनके बारे में डिटेल यहाँ दी गई है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, वो भी है। फैकल्टी एजुकेशन है आपकी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आप देख रहे हैं, लॉ फैकल्टी है। एजुकेशन के अंदर आप बीएड कर सकते हैं और आप कर सकते हैं एमएड दे सकते हैं, और जो आपका ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं आपका बीएड, जो इसे कहते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसे देख रहे हैं आप, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसका भी आपका एंट्रेंस होगा, ये देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट है, ईटी लिखा हुआ है, और बीएड होगा इसमें जो आपका यूपी बीएड है उसके अंदर इसमें एडमिशन होंगे, और यहाँ एमएड है वो भी आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये देख लीजिए आपका डबल स्टार का मतलब, यहाँ देख लीजिए कहीं दिया होगा आल्सो इन एफिलेटेड कॉलेज है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका ओनली इन एफिलेटेड कॉलेज, स्टार का मतलब है उसका मतलब एफिलेटेड कॉलेज है, आप यहाँ देख सकते हैं। और डीए का इतना डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट है, मैंने आपके लिए बताया था। और ईटी का मतलब यहाँ देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट है, आप देख सकते हैं, और जिसमें आपका हैज लगा हुआ है उसे देख सकते हैं, थ्रो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम ओनली, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बीड मैंने आपका बताया यूपी बीड के अंतर्गत होगा ये, तो आपका यूपी बीड आपका स्टेट लेवल का आपका जो आपका एग्जाम होता है वो यूपी बीड कराता है बीड का, तो आप देख सकते हैं। और आगे आपके इसमें BLLB भी है आपका, इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, आप देख सकते हैं, और LLB भी है आपका, LLM है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, हमने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी कुछ सिलेबस पढ़ाया है आपका, GS पे काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा दिए सिद्धार्थ सर ने, और मैंने भी आपके लिए पॉलिटी का और हिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी वीडियो आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और अपने आप से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हैं आगे कॉमर्स फैकल्टी से आप देख सकते हैं, ऊपर कॉमर्स फैकल्टी से आप BBA कर सकते हैं, BCOM कर सकते हैं, BBA टूरिज्म कर सकते हैं, अगर MCOM कर सकते हैं फाइनेंस, आप देख सकते हैं इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा मेरिट पे। और आपके आर्ट्स फैकल्टी बची उसको भी डिस्कस करते हैं, यहाँ BA का कोर्स आप कर सकते हैं जो कैंपस में है सिर्फ, आप देख सकते हैं। और BA मास कम्युनिकेशन आप जर्नलिज्म, इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन है आपका, BFM में भी आपका DA जिसमें लिखा हुआ आपका डायरेक्ट आपका एडमिशन कर सकते हैं, होगा आपका मेरिट पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ BLAB भी है आपका, उस वो भी आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा मेरिट पे, आप यहाँ देख सकते हैं। और BPED आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, आप देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट होगा BPED में, तो आपके लॉ में है भी आपका इंटरेस्ट है, और आपका नर्सिंग में आपका इंटरेस्ट है, और आपका जो BED है उसमें उसमें तो UP BED होगा, और आपका BLLB जो है फैला फैकल्टी है उसमें आपका इंटरेस्ट है, जो अच्छे कोर्स है उसमें आपका इंटरेस्ट है, इसमें रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे आपके MFA में आपके देख लीजिए, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, और आगे आपका जो MHW है ये भी आपका अच्छा कोर्स है, इसमें भी आपका इंटरेस्ट रखा गया, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे कोर्सों में सभी इंटरेस्ट रखा गया। और तो ये हमारी डिटेल में वीडियो हो गई इसके बारे में आपका, जो अगर आप डिटेल में और देखना चाहते हो तो देख लीजिए, प्रत्येक हर एक उसकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की साइट पर आ जाकर इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप पूरा फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं और कितनी फीस है कितनी सीटें वो पूरा देख सकते हैं, नीचे पूरी डिटेल में यहाँ आपको मिल जाएगी, मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ आपको, और हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी कितनी सीटें कितने साल का कोर्स है आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आप इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल, जिसको आप जिसकी डिटेल पूरी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था हमारा पूरा लास्ट तक आप देख सकते हैं। आगे काउंसलिंग फी आपको 250 रुपये देनी होगी, मेडिकल फी आपको 200 रुपये देनी पड़ेगी लास्ट में देख लीजिए, और कल्चरल एक्टिविटी आपको 50 रुपये देनी पड़ेगी, ये आपके सेल चार्ज भी एडिशनली देख सकते हैं, ये आपके चार्ज एडिशनल रहेंगे सभी, जो आपके ये फीस है उसके अलावा आपका देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, बाकी जो इसमें AKTU ये अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल उसके तहत आपका एडमिशन होगा, और नीचे आपका जो नाटा है ये देख लीजिए, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर राम अप्रूव्ड सेंटर वाई CEO न्यू दिल्ली, इसके तहत जो आपका इंटरेस्ट होगा उसके तहत एडमिशन होगा, स्टेट लेवल इंटरेस्ट एग्जाम आपका SC के थ्रू, और आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा इंट्रेंस का और ET इंट्रेंस टेस्ट, तो ये बताया जो यूनिवर्सिटी कराएगी, तो आप देख सकते हैं। और बाकी जो स्टार बने हुए उनका मतलब आप देख सकते हैं, तो पूरी डिटेल में हमने वीडियो बना दी है आपके लिए, सभी कोर्सों की इसमें डिटेल में जानकारी दी गई, इस वाउचर को आप जाके इसकी जो इसकी साइट है उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। अभी तक फॉर्म नहीं रहता, फॉर्म भर दीजिए तो लेट फीस के साथ में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और इसकी अच्छे से तैयारी करिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, उसमें बहुत सारी वीडियो बनी हुई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी।
चलिए तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक करना है और ये इन्फॉर्मेशन उन छात्रों को शेयर कर दीजिए जो बुद्धिनगर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो झांसी की तरफ के हैं, तो उन तक ये सूचना पहुँचाइए, जिससे कि कोई व्यक्ति का फॉर्म भरना ना छूटे, जिससे सूचना ना पूछिए, वहाँ तक आप पहुँचाने में हेल्प करिए। आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सअप ग्रुप पर, और जहाँ भी आपके सोशल मीडिया लिंक है उन सब पर आप शेयर कर दीजिए, जिससे भी सभी अपने समय पर फॉर्म भरें, कोई भी लेट फीस के साथ फॉर्म किसी को ना भरना पड़े। अगर किसी का छूट जाता है तो उसका इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुँचा दीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, सभी यूनिवर्सिटी के अपडेट यहाँ दिया जाता है और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।